तो सीवीसी ने अपना टर्म सेकंड का डेट शीट रिलीज कर दिया है। आपने डेट शीट देख भी लिया हुआ, लेकिन मैं आपको मेरे इस वीडियो में क्लास 12 कॉमर्स साइंस और आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग डेट शीट बना के बता रहा हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। कॉमर्स वाले केवल कॉमर्स का डेट शीट दे सके और साइंस वाले साइंस का और आर्ट्स वाले आर्ट्स का। तो सेपरेट डेट शीट ऑफ टर्म टू एग्जामिनेशन सीबीएसई बोर्ड। सबसे पहला है तो आपका एग्जाम जो है अप्रैल से शुरू हो रहा है। अप्रैल में जो है जितनी माइनर्स एग्जाम हैं अप्रैल से लेकर जून तक पेपर चलेगा। पहला पेपर जो कॉमर्स स्टूडेंट का होगा, अगर हिंदी है तो 2 मई को आपका हिंदी का पेपर होगा, पेपर कोड 2 और 302, जिसमें कोर और इलेक्टिव दोनों होता है। सेकेंड पेपर है मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग का जो पेपर कोड है 812, 12 मई को। 13 मई को पेपर है इंग्लिश कोर या इलेक्टिव, पेपर कोड है 1 और 301। 17 मई को पेपर हो रहा है, पेपर कोड 054 का, बिजनेस स्टडीज का, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कॉमर्स का स्टूडेंट पेपर है अकाउंटेंसी का, और ये होगा 23 मई 2005 को, सॉरी 2022 को, ठीक है। पेपर कोड कितना है 055। अगला पेपर है 27 मई 2022 को, पेपर कोड है 805, फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट जो जिसके पास होगा उसका। नेक्स्ट पेपर 28 मई 2022 को, पेपर कोड 030, और ये दूसरा इंपॉर्टेंट पेपर है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पहला पेपर नॉर्मली क्या होता है इंग्लिश सब्जेक्ट लिया होता है 13 मई को, दूसरा पेपर अकाउंटेंसी का 23 मई को, तीसरा पेपर इकोनॉमिक्स का 28 मई को, ठीक है। उसके बाद बैंकिंग वालों के लिए पेपर होगा 1 जून को, पेपर कोड है 811। फिर है 2 जून को नेक्स्ट पेपर है फिजिकल एजुकेशन का, ठीक है, 048 पेपर कोड है। और जिन्होंने मैथ ले रखा होगा, कॉमर्स वालों की मैथ का पेपर, कॉमर्स वालों की ये लास्ट पेपर होगा, यानी कि आपका पेपर 7 जून को कंप्लीट हो जाएगा। मैथ्स जो है और अप्लाइड मैथ दोनों ही है, पेपर कोड 047 और पेपर कोड 141। तो ये होगा आपका कंप्लीट जो है कॉमर्स वालों का पेपर। अब हम बात करते हैं साइंस स्टूडेंट के लिए। साइंस स्टूडेंट का पहला पेपर शुरू होगा 2 मई से हिंदी का, जिनके पास हिंदी है। सेकेंड पेपर है 7 मई 2022 केमिस्ट्री का, है सबसे इंपॉर्टेंट पेपर साइंस स्टूडेंट के लिए, पेपर कोड 043। 13 मई 2022 को पेपर होगा इंग्लिश का, ठीक है, पेपर कोड 001 और 301, कोर दोनों है इसमें। नेक्स्ट पेपर है फिजिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर, उसके बाद साइंस स्टूडेंट का पेपर कोड 04, और ये पेपर होगा आपका कब, 20 मई को। फिर है बायोलॉजी का पेपर कोड 04, और ये पेपर आपका 30 मई को है। नेक्स्ट जिनके पास फिजिकल एजुकेशन होगा, पेपर कोड 04, फिजिकल एजुकेशन पेपर क्या होगा 2 जून को होगा, ये पेपर आपका जून को होना है, जून स्टार्ट। फिर जिनके पास जिन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले रखा है जो फिजिकल के ऑप्शन में होता है, उनका पेपर है 4 जून को, पेपर कोड 802। और लास्ट पेपर होगा साइंस वालों के लिए मैथ्स का, जिनके पास मैथ्स है 6-7 जून को, पेपर कोड 04124 1, अप्लाइड मैथ्स या मैथमेटिक्स, ठीक है। ये साइंस वालों का पेपर हो गया, अपने पेपर की तैयारी कीजिए अच्छे से। अब हम बात करते हैं आर्ट्स स्टूडेंट के लिए। आर्ट्स स्टूडेंट का जो पहला पेपर सेम, क्योंकि आर्ट्स स्टूडेंट्स का हिंदी होता है अक्सर, तो 2 मई से स्टार्ट होगा आपका भी हिंदी का, जिसमें दोनों है, पेपर कोड 2 और पेपर कोड 302। आर्ट्स का नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है सोशोलॉजी, ठीक है ना, जो मैक्सिमम आर्ट्स स्टूडेंट के पास है, ये पेपर है, पेपर कोड 039 39, और एक पेपर होगा आपको 6 मई को। अगला पेपर आर्ट्स का है 13 मई को इंग्लिश का, इंग्लिश कॉमन सब्जेक्ट है सभी का है, आर्ट्स कॉमर्स और हिंदी का, और आर्ट्स कॉमर्स एंड आर्ट्स वालों के लिए दोनों पेपर कोड, जिनके बाद जो पेपर कोड दोनों एक ही दिन होना है। 18 मई 2022 को पेपर कोड 029, और यह ज्योग्राफी का, यह भी आर्ट्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लगभग लगभग स्टूडेंट के पास होता है। अगला पेपर है जिन्होंने फैशन स्टडीज ले रखा होगा, ठीक है, जो फैशन है नॉर्मल छोटा सब्जेक्ट है, हर कोई नहीं लेता है, पेपर कोड है 837, और ये पेपर होगा 19 मई को। अगला पेपर आर्ट्स स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, जिसको राजनीति विज्ञान भी कहते हैं, पेपर कोड 028, और ये पेपर होगा आपका 24 मई को। 25 मई को पेपर है जिनके पास होम साइंस है, ठीक है, होम साइंस का पेपर है, पेपर कोड 064। नेक्स्ट पेपर है 28 मई को इकोनॉमिक्स का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है आपका आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए, पेपर कोड 030, लगभग लगभग स्टूडेंट इसको लेते हैं। और नेक्स्ट पेपर है फिजिकल एजुकेशन का 048, और ये पेपर होगा आपका 2 जून को, अब यहाँ से जून स्टार्ट है आपका, ठीक है। अगला पेपर है 10 जून को 027 हिस्ट्री का। फिर अगला पेपर है
14 जून 2022, संस्कृत का पेपर कोड 322, संस्कृत कोर बोलते हैं इसको, नेक्स्ट पेपर है, लास्ट पेपर इसको बोलेंगे आर्ट्स स्टूडेंट के लिए, 15 जून को पेपर कोड 037 और पेपर होगा ये साइकोलॉजी का। ये तो रहा साइंस क्लास 12th स्टूडेंट के लिए। तो आप, अब मैं बताता हूँ क्लास 10th के स्टूडेंट का पेपर कब कब पेपर होगा, टर्म टू एग्जाम। आपका पेपर होगा क्लास 10th वालों का 27 अप्रैल से शुरू, पहला पेपर इंग्लिश का होगा, 5 मई को दूसरा पेपर मैथ्स का होगा, 10 मई को तीसरा पेपर साइंस का होगा, 14 मई सोशल साइंस का पेपर है, 18 मई हिंदी का पेपर है और 23 मई कंप्यूटर साइंस का पेपर है। इसका मतलब क्लास 10th का पेपर जो है मई मई में ही कंप्लीट हो जाएगा, पूरा जून आपकी हैप्पी वेकेशन होगा। लेकिन जो है 12th के स्टूडेंट के लिए जून का भी महीना पेपर पेपर में जाना है, और सबसे अच्छी बात है जो टीचर्स है वो तो पूरे जून भर लगे रहेंगे इस बार, जून नो वैकेशन मंथ, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल स्टूडेंट, आपके पेपर की तैयारी कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट आप अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए, क्योंकि मार्च में आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट होना है। थैंक यू।